गुलाब पूरी जो हमारे कच्छ की ट्रेडिशनल रेसिपी है, जो हमारे पूर्वज बनाया करते थे, ये रेसिपी मेरी नानी माँ ने उनकी नानी माँ से सीखी थी और मुझे सिखाई। ऐसी पुश्तैनी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारे धरोहर की रेसिपी को भुलाई ना जाए और ये रेसिपी मैं आगे की जनरेशन को भी फॉरवर्ड कर पाऊँ। तो चलिए हमारी पुश्तैनी रेसिपी गुलाब पूरी बनाना शुरू करते हैं। गुलाब पूरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मैदा ले लिया है। मैंने यहाँ पे जो 200 ml का मेजरिंग कप है, वो नाप से मैं 2 कप मैदा लूंगी और इसे छान लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे जो मेजरिंग कप आता है वो लिया है, पर आपके घर में कोई भी कटोरी हो जो हम दाल के लिए यूज करते हैं, देखिए कोई भी कटोरी हो, वो कटोरी का नाप लेके भी आप इसे बना सकते हैं। इसे छान लेंगे। ये 250 ग्राम मैदा है। आप जब भी कोई भी इस प्रकार से रेसिपी बनाए, हमेशा उसे छान लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो भी इसमें इम्प्योरिटीज होगी ना, वो निकल जाएगी। बहुत ही थोड़ा सा नमक, 1/4 टीस्पून का आधा, 1/8 टीस्पून नमक डालेंगे, और जो टेबलस्पून होते हैं वो टेबलस्पून के नाप से 3 टेबलस्पून शुद्ध घी, जो देसी घी मिलता है आप वो ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो जो वनस्पति घी आता है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। पर अगर शुद्ध घी में रेसिपी बनाई ना, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, इसलिए मैं शुद्ध घी ले रही हूँ। पहले हम ये सारे आटे को, जो ये मोहिन है ना, वो चढ़ा देंगे। ये देखिए, इस प्रकार से लेके आटे को इस प्रकार से हाथों से हम इस पे मोहिन चढ़ा देंगे। ये इसको बोलते हैं मोहिन चढ़ाना। जो घी होता है वो आटे के ऊपर हम अच्छे से चढ़ा देंगे। ये देखिए, इस प्रकार से ना अच्छे से इस पे जो घी है वो चढ़ जाना चाहिए। ये प्रोसेस करना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, मैं आपको हमारी जो ट्रेडिशनल रेसिपी है वो जैसे बनती है वो सिखा रही हूँ। बिल्कुल इसी प्रकार से इसे तैयार कर लेंगे। ये देखिए, सारे आटे को मोहिन चढ़ा दिया है। ये देखिए आप, ये देखिए। अब क्या करेंगे, इसे इस प्रकार से दबा देंगे। और इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे। 5 मिनट हो चुकी है और आटे के ऊपर अच्छे से मोहन चढ़ गया है। ये देखिए, आप मुट्ठी बनाएंगे ना तो इस प्रकार से रेडी हो जाता है। अब इसके अंदर हमें आधा कप फिर से मैदा ऐड करना है। इस पे हमें मोहन नहीं चढ़ाना है, ये ऊपर से ऐड करना है इस प्रकार से। और हम अब सारी सामग्री को मिला के इसका आटा गूंद लेंगे। हमें इसका थोड़ा सख्त आटा गूंदना है। दोस्तों, ये ट्रेडिशनली जैसे बनती है बिल्कुल वही स्टेप से मैं आपको सिखा रही हूँ। अब इसके अंदर मैं पानी ऐड कर दूंगी और इसका आटा, हमें इसका सख्त आटा गूंदना है। तो पानी का नाप आप थोड़ा संभाल के ऐड कीजिएगा, क्योंकि हमें इसे रेस्ट देना है। रेस्ट देंगे ना तो ये आटा सॉफ्ट होने ही वाला है। थोड़ा पानी ऐड कर देती हूँ। दोस्तों, जैसे कच्छी का गुलाब पाक, कच्छी की जो मिठाइयाँ होती हैं, कच्छ की बहुत ही फेमस सोहन पापड़ी, कच्छ की बहुत फेमस है, इस प्रकार से ये गुलाब पूरी भी बहुत ही फेमस रेसिपी है। जैसे बोलते हैं ना कि लुप्त होती हुई रेसिपी है, जो बहुत अभी कम लोग बनाते हैं, जो ये धीरे धीरे बंद हो जा रही है, लोग बहुत कम लोग बनाते हैं, ये वो रेसिपी है। और फ्रेंड्स, हमारी जिम्मेदारी है कि जो भी हमारी ट्रेडिशनल रेसिपी है, हमें वो हमारी आगे पीढ़ी को भी वो सिखाना है और उसे आगे तक लेके जाना है। तो आप भी अपने बच्चों को जरूर सिखाइएगा ये रेसिपी। जो भी हमारी धरोहर है उसे हम आगे बढ़ाना है। जैसे हम पराठा के लिए आटा गूंदते हैं ना, वैसे आटा गूंदना है, ज्यादा सख्त नहीं और ज्यादा नरम नहीं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये ज्यादा नरम नहीं है और ज्यादा सख्त भी नहीं है। हमें इतना ही ऑयल लेना है।
आधा टीस्पून जितना, और इसे हम अच्छे से मसल लेंगे। ये देखिए, ये रेडी हो चुका है। अब मैं इसे ढक के करीबन एक घंटे के लिए रेस्ट दूंगी। अब इसके ऊपर जो स्लरी लगाने वाले हैं वो बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून घी ले लिया है। ये ऐसे हार्ड वाला घी है, इसको हमें पिघला के नहीं यूज करना है, इस प्रकार से थीजा हुआ घी लेना है। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप यहाँ पे कॉर्नफ्लावर का भी उपयोग कर सकते हैं, और दोनों चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। हम इसके ऊपर ये जो साटा है वो तैयार कर रहे हैं, पर ट्रेडिशनली इसमें चावल का आटा यूज होता है तो मैं वो यूज कर रही हूँ। इसमें 1/2 चम्मच मैं और डाल रही हूँ। जैसा हमें साटा चाहिए वैसा रेडी नहीं हुआ है, 1/2 टेबलस्पून और ऐड कर रही हूँ। टोटल मैंने 2 टेबलस्पून घी और 2/2 टेबलस्पून चावल का आटा लिया है। ये देखिए, अभी हमें चाहिए बिल्कुल वैसा ही साटा तैयार हुआ है। ये रेडी हो चुका है। अब हम आगे की तैयारी शुरू करते हैं। 1 घंटा हो चुका है, आटे को चेक कर लेते हैं। ये देखिए, बहुत ही सॉफ्ट और बढ़िया आटा तैयार हुआ है। आप पहले से ना बहुत सॉफ्ट आटा मत गूंदिएगा। ये देखिए, रेस्ट देने के बाद ना ये बहुत अच्छे से तैयार। अब मैं क्या करती हूँ, इसके छोटे छोटे हम गोले बना लेंगे। दोस्तों, ये रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट है पर बहुत ही टेस्टी बनती है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे जो साटा है वो ले लिया है, हमारे गोले हैं, और यहाँ पे मैंने मैदा ले लिया है, और ये जो बाकी का आटा है उसे खुला नहीं रखना है, हम इसे ढक देंगे, नहीं तो ये ड्राई हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमें 5 ये जो है पेड़े लेने हैं। अब क्या करेंगे, सबसे पहले पेड़ा ले लेंगे और इसे बेल लेंगे। बिल्कुल इसी प्रकार से ना जो सारे पेड़े हैं, 5 पेड़े हम बेल के रेडी कर लेंगे। ये देखिए, अभी ये जो 1 रोटी है ना, इसके ऊपर हमने ये जो साटा लिया है वो लगा देंगे। बहुत ही पतला लेयर हमें लगाना है। सब जगह से अच्छे से हम इस पे लगा देंगे। अब इसके ऊपर हम ये दूसरी पूरी रखेंगे और इसके ऊपर भी हम इसे लगा लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे 7 लेयर भी ले सकते हैं, आपके ऊपर है। ट्रेडिशनली इसमें 5 लेयर ही लिया जाता है। ये देखिए, हमने सारी पूरियों को अच्छे से साटा लगा लिया है। अब इस पे ऊपर हम मैदा लगाएंगे और इसे बेल लेंगे। ये देखिए, इस प्रकार से हमें इसे पतला ही बेलना है। आप इसको चाहे वो शेप में कट कर सकते हैं। मेरे पास ये राउंड कुकी कटर है तो मैं वो यूज कर रही हूँ। मैं दिखाती हूँ एक आपको। ये देखिए, इस प्रकार से हमें, ये देखिए, पतला ही हमें करना है। आप इसको राउंड शेप में, जो भी आपके पास कटर है वो आप शेप में इसे कट कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने सारे कट कर लिए। अभी ये जो मिश्रण है ना, उसे हमें जो अब दूसरा आटा है उसमें नहीं ऐड करना है। मैं आपको इसको लास्ट में सिखाऊंगी इसको हम कैसे यूज करेंगे। अभी इसको हम इस प्रकार से साइड में रख देंगे, और जो आटा हमारे पास बचा है उसमें से भी मैं सारे कटआउट्स निकाल लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये सारी जो पूरियां हैं उसको मैंने प्लेट में ले लिया है, और मैंने एक रुमाल ले लिया है जिसको मैंने गीला करके इसका जो एक्स्ट्रा पानी था वो निकाल दिया है, और इसे हम इसके ऊपर ढक देंगे। हमारी पूरी सूखनी नहीं चाहिए, इसके लिए हम ये प्रोसेस कर रहे हैं, तो आप इस प्रकार से कीजिएगा। ये देखिए, हमने सारे जो हमारे कटर्स हैं वो कटआउट कर लिए हैं। अब ये बेलन लेना है, बेलन का जो पीछे वाला हिस्सा होता है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से इसके डिजाइन बनानी है। पीछे वाला हिस्सा तक हमें नहीं लेके जाना है, सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा है। ये देखिए पीछे, ये पूरा का पूरा पूरी दिखना चाहिए, और यहाँ पे इस प्रकार से होल बनाना है। इस प्रकार से हम सारी पूरियों के ऊपर निशान बना देंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे
आधा घी और आधा तेल लिया है। वैसे तो ये पूरी रेसिपी घी में ही तली जाती है, पर आजकल इतना सारा घी नहीं खाया जाता है, बहुत हैवी हो जाता है। तो इस प्रकार से मैंने आधा घी और आधा तेल लिया है। इसे गर्म करने के लिए रख देंगे। ये हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। अब मैं इसमें ये जो पूरियाँ हैं वो डाल देती हूँ। हम एक साथ बहुत सारी पूरियाँ नहीं डालेंगे। अगर आपको ऐसा लगे कि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है या घी बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, तो आप आँच को बंद कर दीजिए और फिर इसे वापस शुरू कर दीजिए। अब हम इसे पलट लेंगे। इसे बहुत ही कम आँच के ऊपर हमें फ्राई करना है। देखिए ये जो पूरियाँ हैं ना, इस प्रकार से हम इसके बीच में प्रेस करेंगे, धीरे से इसे पलट लेंगे। इस प्रकार अलटते पलटते हमें तलना है। ये देखिए वापस मैं पलट लेती हूँ। इस प्रकार से ना अलटते पलटते इसे तलना है और एकदम आंच को स्लो रखना है, बिल्कुल भी तेज़ आंच मत कीजिएगा, नहीं तो जो पूरी है ना बीच में से कच्ची लगेगी। तो इसलिए हमें इस प्रकार से धीमी आँच के ऊपर ही इसे तलना है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया इसका ब्राइट रंग आ चुका है, देखिए। और आप देख सकते हैं इसके लेयर्स, ये देखिए ये साइड्स में इस प्रकार से खुले हैं। ये देखिए इस प्रकार से ये लेयर्स भी खुलते हैं। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। ये देखिए बहुत ही सुंदर इसका ब्राइट रंग आया है और आप इसके लेयर्स भी देख सकते होंगे। ये देखिए थोड़े थोड़े लेयर्स खुले हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से मैंने सारी जो हमारी पूरियाँ हैं वो तल लूँगी। देखिए दोस्तों हमारी सारी जो पूरियां हैं वो तल के रेडी हो चुकी हैं। ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही खस्ता तैयार हुई हैं। ये देखिए इसके लेयर्स भी देखिए। मैं एक पूरी आपको इस प्रकार से दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही खस्ता, सारे लेयर्स अलग हो गए। देखिए इतनी खस्ता ये होती हैं। आप चाहें तो ऐसे डायरेक्टली भी खा सकते हैं, पर हम इसके आगे जो शुगर का प्रोसेस करना है वो करेंगे। हम इसे कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे, फिर ही हम शुगर सिरप में ऐड करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। हम चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। मैंने वही मेजरिंग कप ले लिया है जिससे हमने मैदा लिया था। 2 कप शक्कर डालेंगे हम। 2 कप शक्कर लेंगे और इसके अंदर डूबे उतना ही पानी डालेंगे, करीबन 1 कप जितना पानी जाएगा। और अब हम इसकी चाशनी तैयार करेंगे। 2 सवा 2 तार की इसकी चाशनी तैयार करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा ये जो आटा, मैंने आपको कहा था ना मैं आपको बाद में सिखाती हूँ, तो ये देखिए ये जो आटा है ये जो बच गया है, ये देखो इसे इसको है ना मसलना नहीं है। इसको इस प्रकार से हम जमा कर देंगे, उसको बिल्कुल भी मसलेंगे नहीं, ज़्यादा नहीं मसलेंगे, नहीं तो क्या होगा ये जो लेयर्स हैं ना वो सब मर्ज हो जाएंगे। थोड़ा सा मैदा डाल के ना इसे बेल लेंगे। देखिए हमने इसमें बहुत सारा साटा वगैरह लगाया है तो हमें और कुछ भी लगाने का जरूरत नहीं है, बिल्कुल इसी प्रकार से इसे बेल लेंगे। आप चाहें तो जैसे हमने आगे पूरी बनाई थी वैसे भी पूरी बना सकते हैं, पर मेरे घर में मैं 2 तरह की रेसिपी बनाती हूँ, वो मैं आपको सिखाती हूँ। मेरे बच्चों को ये पसंद है इसलिए मैं वैसे बनाती हूँ। इसके हम इन हिस्से कर लेंगे और इसके अभी हम स्ट्रिप्स बना लेंगे। ऐसे हम पतली पतली स्ट्रिप्स बना लेंगे। मेरे घर में ना फ्रेंड्स इस प्रकार से ये 2 रेसिपीज तैयार होती है। जब भी ये बनते हैं ना हम इस प्रकार से बनाते हैं 2 रेसिपीज। मेरे बच्चों को बहुत पसंद आती हैं ये। मेरे हाथ एक्चुअली बहुत शेक हो रहे हैं ना तो ये ठीक से नहीं हो रहा है, पर आप इस प्रकार से इसकी पतली पतली स्ट्रिप्स कट करिएगा। ये देखिए इस प्रकार से ना इसकी स्ट्रिप्स तैयार करनी है। ये देखिए अभी ये सारी स्ट्रिप्स को मैं फ्राई कर लूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों मैंने इसे तल लिया है। मैंने तलने का वीडियो नहीं लिया था क्योंकि जैसे हमने पूरी तली थी बिल्कुल वैसे इसे धीमी आंच पे तलना है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया। ये देखिए ये एक जैसे फ्रेंच बीन्स होती है ना बिल्कुल वैसे ही लगता है। ये देखिए हमारे कच्छी में इसको बोलते हैं फरियूं। तो जब भी हम गुलाब पूरी बनाते हैं तो बच्चे ज़रूर से बोलते हैं कि मम्मा फरियूं ज़रूर से बनाना। इसको हमारा कच्छे में कहते हैं फरियूं, जैसे गुवार की फरी होती है, चौली की फरी होती है ना, वैसे ही हमारे यहाँ पे इसको बोलते हैं फरियूं।
अब मैं इसके ऊपर चाट मसाला डाल देती हूँ। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर पीसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं, पर मेरे बच्चे जैसे पसंद करते हैं ना, मैं आपको वो सिखाती हूँ। मैं इसकी पूरियाँ नहीं बनाती हूँ गुलाब पूरी, मैं ऐसे फरियों बनाती हूँ। जब हम फ्रेंड्स छोटे थे ना, तभी हमारी नानी है ना, तभी तो चाट मसाला वगैरह कुछ नहीं था, तो मेरी नानी थोड़ा सा जो ब्लैक सॉल्ट आता है वो और लाल मिर्च डाल देती थी, और हम बहुत इंजॉय करके इसे खाते थे। करीबन 1 टीस्पून जितना मैंने इस पर चाट मसाला डाला है। हमारी फरियों बन के तैयार है कि चाशनी तैयार कर लेंगे। मैंने आंच को धीमा रखा है, धीमी आंच के ऊपर हम इसे शक्कर पिघलाते हुए कुक करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने इसे तेज आंच के ऊपर कुक किया तो क्या होगा, शक्कर क्रिस्टलाइज हो जाएगी, फिर वो गलेगी नहीं। तो इसे पहले हम धीमी आंच के ऊपर पिघला लेंगे और फिर इसमें से चाशनी बनाएंगे। जब भी आप चाशनी बनाएं तब इस बात का जरूर से ध्यान रखिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी थोड़ी शक्कर पिघली है, थोड़े इसके दाने रह गए हैं, ये देखिए थोड़े से दाने, तो इसे हम अच्छे से पिघला लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, शक्कर पिघल चुकी है और पानी भी उबल रहा है। अब मैं आंच को मीडियम कर दूंगी और इसे हम 2.5 तार की चाशनी तैयार करेंगे। इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हल्का सा चिकनापन इसमें आ चुका है, अभी ये तार तैयार नहीं हुआ है। फिर से चेक कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा आधा तार बन रहा है, अभी हमें 2 तार और बनानी है। इसे कुक कर लेंगे। इस प्रकार ना बीच बीच में चाशनी को चेक करते रहिए, जिससे ना कभी भी गड़बड़ नहीं होगी, बहुत बढ़िया आपका चाशनी तैयार होगा। फिर से वापस चेक कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पहले से थोड़ा सा कम स्प्रेड हो रहा है। ये देखिए, ये 1.25 तार हुआ है। फिर से चेक कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, वो पहले की तरह स्प्रेड नहीं हो रही है, चाशनी एक जगह पे ही खड़ी है। इसे हम चेक कर लेते हैं। एक तार बनके टूट रही है, इस प्रकार से 2 तार बननी चाहिए, तब हम आंच को बंद कर देंगे और फिर इसमें ही कुक होके वो 2.5 तार हो जाएगी। ये देखिए, 1 तार बनने के बाद ये टूट रही है, तो अभी और हम इसे कुक करेंगे। इसे फिर से चेक कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी ये ड्रॉप एकदम एक जगह पे ही है, स्प्रेड नहीं हो रहा है। गरम है, सावधानी पूर्वक चेक कीजिएगा। ये देखिए, ये रेडी हो चुकी है। अब मैं आंच को बंद कर दूंगी, क्योंकि ठंडा होने के बाद ना आधातार चाशनी इसी में हो जाएगा, तो मैं आंच को बंद कर देती हूँ। हम इसमें 1/4 टीस्पून रोज एसेंस डालेंगे। फ्रेंड्स, मेरे पास अभी गुलाब जल नहीं है, जनरली ये रेसिपी के अंदर 1 टीस्पून गुलाब जल डलता है, पर मेरे पास वो नहीं है, तो मैं इसके अंदर रोज एसेंस डाल रही हूँ। अब हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी चाशनी रेडी हो चुकी है और थोड़ी सी मैंने ठंडी कर ली है। यहाँ पे मैंने एक प्लेट ले ली है और उसको घी से ग्रीस कर दिया है, और ये हमारी पूरियाँ हैं। अभी हम क्या करेंगे, चाशनी के अंदर ये जो पूरियाँ हैं उसे डाल देंगे। इसे डिप करके नहीं रखना है, इस प्रकार से सिर्फ 3-4 बार ऐसे मिक्स कर लेना है, और फिर इसे उठा के जो हमारा ग्रीस हुआ जो थाली है उस पर रख देंगे। थोड़े से बादाम, थोड़े से पिस्ता और थोड़े से
गुलाब की पंखुड़ियां लगा देंगे। ये हमारी गुलाब पूरी रेडी हो चुकी है। बिल्कुल इसी प्रकार से ना सारी पूरियां तैयार कर लेंगे। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ये पूरी हमारी ठंडी होनी चाहिए और चाशनी गरम, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और अगर आप फ्रेंड्स आप ये करते करते आपकी चाशनी अगर बहुत ज्यादा गाढ़ी हो गई तो आप क्या कीजिएगा, आप फिर से उसे गर्म कर लीजिएगा। और फिर से आप उसका यूज कर सकते हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं। अगर चाशनी कड़क भी हो गई तो कोई बात नहीं, उसे गर्म करके फिर से यूज कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे सारे जो बने हुए हैं मैंने इसे स्प्रेड कर दिया है। एक्चुअली फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा चाशनी कड़क हो गई थी, एक्चुअली ऐसी नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से आप इस पर बहुत कम चाशनी लगनी चाहिए, पर मैंने गर्म करने का मुझे कंटा लाया तो मैंने वैसे ही उसे बना दिया। पर आप इस प्रकार से हमेशा पतली चाशनी इसके ऊपर होनी चाहिए। और मैं आपको एक पीस दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया हमारी पूरी तैयार हुई है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया। आपने अगर खाने का शुरू किया ना तो आप इसको खाते ही रहेंगे, इतनी बढ़िया बनी है ये। एक पीस मैं आपको तोड़ के बताती हूँ। ये देखिए इतनी सॉफ्ट, इतनी मुलायम। ये देखिए सारे लेयर्स अलग हो गए। देखिए बहुत ही बढ़िया हमारी रेसिपी रेडी हुई है। ये देखिए मैं आपको पीस कट करके बताती हूँ। ये देखिए कितने सारे लेयर्स हमारे अलग हो गए। देखिए हमारी टेस्टी यम्मी और वेरी डिलीशियस गुलाब पूरी बनके तैयार है। आप इस रेसिपी को बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। और इसी प्रकार की यूनिक रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।